मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि सीसीएल परिवार जो बोलता है वो करता है। साल भर पहले हमने अप्रैल में कहा था कि अगला वर्ष 67 मिलियन टन करेंगे, तो सीसीएल परिवार 67 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो ये परिवार बोलता है वो करता है। कैसे हुआ ये यदि हम दूसरे से शेयर करते हैं अपना अनुभव, और जैसे सीसीएल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ऐसे ही यदि 10 20 50 100 कंपनियों का और हो जाए, तब सही मायने में झारखंड का विकास होगा, भारतवर्ष का विकास होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सबका साथ सबका विकास, वो सार्थक होगा। स्पोर्ट्स एकेडमी रांची में है, चूंकि आप सब लोग रांची वाले हैं, आप जरूर गए होंगे। कितने लोग, मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग गए हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार खेल गांव जरूर जाइए। और अब तो स्पोर्ट्स एकेडमी का इस साल हम लोगों ने दूसरा बैच लिया है जिसमें 100 बच्चे, पिछला साल हम लोगों ने शुरू किया था 78 बच्चों का झारखंड के विभिन्न जिलों से लाए थे। सच्चाई है कि आज भी गरीबी है, मगर हमने कुछ इनिशिएटिव्स का नाम लिया और जो बाकी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, 77 इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं, 11 इनिशिएटिव्स पाइपलाइन में। सबका उद्देश्य एक ही है कि इनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें, हम युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाएं,